भाई यकीन करो ऐसा छोले चाट ना कभी नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के कैसे इलाके जिसका नाम है रंगलाई, और रंगलाई में पूना बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे इनके खाने काफी मशहूर है, फूड स्ट्रीट है एक छोटा, ये है रहमत भाई के छोले, क्योंकि छोले इनके काफी यूनिक और काफी फेमस है भाई। और दूसरी बात, मैं इनका छोला पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ और मैंने लोगों का बड़ी तारीफें सुनी है इनकी रहमत भाई छोले के, इनके छोले आपको ऐसे कभी जायके नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ही मसालेदार चटपटेदार जिस तरीके का भी आपको ये छोले चाट बनाना है तो आप जरूर आइएगा। तो बस अभी देखते हैं, अभी इनका जो है इंटरव्यू भी लेते हैं और इनका जो खाने का वो भी जायका चखते हैं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की मजेदार वीडियो के लिए कि आप सब लोग तैयार हैं, आ जाए। बस सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, बस ये अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा हो गया, ईमानदारी से काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक अरसा हो गया है, 55 साल गुजर गए, जायका है आज तक, जायका बदला है। रेट भी हमारे बहुत मुनासिब है, 100 रुपए के पास 70 रुपए की है, 100 रुपए की है, ठीक है, जैसा ग्राहक बोले उसके हिसाब से। शुरू में तो 15 पैसे की प्लेट, अपने इलाके में मारवाड़ी मोहल्ला या डबोरी बहुत चलती है और हमारी चाट से डबोरी का टेस्ट डबल हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये है सलीम भाई के छोले, क्योंकि इनके छोले भाई का रंची लाइन में ज्यादा ही फेमस, क्योंकि लोग बड़े शौक से खाते हैं। और यकीन करो अभी तो यहाँ पे इतने रश नहीं है, वरना आप थोड़ी देर के बाद या मगरिब की नमाज के बाद आप देखो तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भरपूर रश होता है। तो मैंने भी इनका अभी ये ट्राई करता हूँ वाकई में, ये जायके में कैसा है। भाई यकीन करो ऐसा छोले चाट ना कभी नहीं खाई, क्योंकि वाकई में ऐसे छोले कहीं ना कहीं आपको देखोगे कि और भी कुछ इलाकों में जिसके जायके भरपूर है। भाई जो अपना इलाका होता है ना उसका अलग जायका है, दूसरों के इलाकों में जाओगे अगर दूसरे छोले चाट खाओगे तो उसका जायका अलग है। जैसे ये रहमत भाई जो है, जो रहमत भाई है वो उनके बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई है, क्योंकि ये मगरिब के बाद बैठते हैं और असर के बाद बैठते हैं और वो आते हैं तकरीबन 3 या 4 बजे। इनका नाम है रहमत भाई, तो ये उन्हीं के नाम से ये ठिया है। 70 से 80 रुपए की प्लेट है, डबल रोटी के साथ खाओगे तो और ही जायका आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैं इसकी लोकेशन भी साथ साथ बताता चलूँ, पूना भाई टावर है उसके बिल्कुल सामने आपको जो के रहमत भाई छोले वाले जो के इनके छोले मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये पीछे बैक साइड पे जो बाइक मार्केट है उसी से बिल्कुल आप पीछे साइड पे आओगे तो आपको ये रहमत भाई के छोले नजर आ जाएंगे। बस वाकई में अगर पापड़ी और तीखा ज्यादा नहीं, नॉर्मल है, ज्यादा मजा आ गया। बस अगर आपको तीखा बनाना है या आपका आपके मुताबिक क्योंकि आपको किस तरीके का खाना है तो बस आपको रहमत भाई इस तरीके का बना के ले लेंगे। बस मैं तो खा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.